राम राम भाई सारे भैया ना, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? तो भाई तीन चार दिन बाद आज वीडियो आ पाई। बस कारण है भाई यार, बस क्या बताओ आप सब तय, आप भी ये बोलोगे भाई। तो चलो छोटो जो बात है ना फिर करेंगे, पहला मेन बात करते हैं जो अपना एक्सल, जो अपना स्पेंडल बैंड हो गया था जो AK-47 ट्रैक्टर का, वो हमने नया डलवा गया, वो सीधा करवा दी, मतलब सीधा हो गया वो नया, तो यार सीधा ही मिलागा और वो न्यू डलवा दिया था। अगर एक बंदे से बात हो रही है भाई, अपने पास दो स्पेंडल पड़े हैं जो अपने बैंड हो रहे हैं, 100 राज का 100 नारिका का, तो देखो अगर वो सीधे हो गए तो ठीक है, वरना पड़े रहोगे भाई ऐसे ही। और भाई 100 राज की बात करते हैं, अब 100 राज भाई बिल्कुल सिंपल, आप सबने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। तो यार बात करेंगे भाई क्यों करया, तो सारे भाई वीडियो ना आखिरी तक देखियो, कुछ मजबूरी बंदे की ऐसी हो जाए भाई, अपना यार दोस्त है उनकी कोई रिश्तेदारी में किसी भाई ने जरूरत पड़ रही होगी ट्रैक्टर की, तो सिंपल ट्रैक्टर चो बिल्कुल मॉडिफाई, तो उनके पास भी खड़ा उनने सिंपल ट्रैक्टर चो, थोड़ा खेती का काम करना है एक मंथ के लिए, तो भाई ने बोला भाई ट्रैक्टर मैं चल कोई नहीं भाई, तो इस वजह से हमने अपना 100 राज ट्रैक्टर भाई एक मंथ के लिए अब देना पड़ेगा 4-5 तारीख को, और एक मंथ बाद आएगा 100 राज पे भाई, एक मंथ कोई वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि हमारे पास अपना ट्रैक्टर रहेगा नहीं भाई, हमारे पास रहेगा सिर्फ एक ट्रैक्टर AK-47, और काम उसी पे करेंगे भाई, वीडियो वाडियो उस पर बनाऊँगे, और जो टायर है पिछले वो चेंज करने पड़ेंगे हमने, क्योंकि हमने टोचन टूर्नामेंट में जाना है UP में, तो उस वजह से हमने रेडियल टायर चेंज करने पड़ेंगे भाई 100 राज में, और 100 राज के टायर हमने AK-47 में डालने पड़ेंगे। तो यार बस क्या बताऊँ, माइंड थोड़ा पजल हो रहा, इस वजह से वीडियो भी पूरी नहीं बन पाती, दिमाग मन बड़ा कहीं रही रहो यार, इस वजह से वीडियो कंप्लीट भी नहीं होती, दो दो तीन तीन दिन में वीडियो कंप्लीट हुआ है यार, बस पूछो ना। आप सब सारे भाई ने सपोर्ट करते रहो बस यार, वो भी आप सब तागा अपडेट देते रहोगे भाई, सारे भाई सपोर्ट करते रहो बस, जो प्यार अपना वो बनाए रखो भाई, देखो मॉडिफिकेशन और ट्रैक्टर सब अपने पास है, लेकिन थोड़े दिनों की बात है, ट्रैक्टर भी वापस आ जाएगा, सारे काम दोबारा हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सबका प्यार बने रहो बस, और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सारे भाई करो लोग चेक और बताइए कमेंट करके वीडियो किसी लग गए। ला भाई एक बारी जग जुग लगा दिया ट्रैक्टर का, देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही भाई, छोटे में प्रॉब्लम तेरे मां नहीं चलती यार, घना दुख हुआ है, एक वो निकल गया, एक वो हो गया, बस वही निकल गया टायर, देखा के प्रॉब्लम हो रही, ला भाई ट्रैक्टर का टायर खोल दिया और कमी भाई पाई स्पेंडल में, अपना स्पेंडल बैंड होया पाया, ये देखो कितना बैंड हो रहा है यार, बस पूछो दिमाग खराब हो गया भाई स्पेंडल की तरफ था, तो यार स्पेंडल यार ओरिजिनल पड़ा, और कभी ट्रैक्टर का स्पेंडल आज तक बैंड नहीं होया मेरे पे, स्टंट करती आना, एक तो इन टायर ही है, टायर यार इनमें थोड़ी सी भी वो नहीं है, मतलब जंपिंग नहीं है थोड़ी सी भी टायर में, और यार एक काफ़ी भारी हो गया सोनाली का ट्रैक्टर आगे था, जो 750 मॉडल है भाई, ये काफ़ी भारी आगे था, और एकदम गिरा है ना तो प्रॉब्लम आ गई बड़े टायर में, अगर इसमें कोई मतलब जंपिंग वाले टायर होते तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही इसमें सिर्फ जंपिंग की वजह से, और ये ट्रैक्टर आ गया था भारी, अगर जो ट्रैक्टर होता है और कोई सब, तो भाई मैं ट्रैक्टर बहुत अड़के हुआ है उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जितनी इन ट्रैक्टर में तो उठाने में भी इतनी प्रॉब्लम आवे जिसकी कोई नहीं भाई, नू तो इतने से ले तो उठते भी कौन है, इन्ना भी भाई ठाण खातर जिगरा होना चाहिए जब उठे हैं अभी, और हमने बतेरे स्टंट करे भाई अपने इसके साथ, अभी होया पहली बारी अपने AK-47 का भी बैंड होया भाई, यो भी बस के इन टायर की वजह तो होया, नहीं तो यू भी नहीं होता, एक ट्रैक्टर ने गेयर नहीं पकड़ा टाइम पर, अगर गेयर पकड़ लें ट्रैक्टर एकदम ऊपर चले जावे, तो यार इस चक्कर में भी बहुत दिक्कत होगा। ला भाई पानी बदम आ गए थे यार भाई, ला भाई स्पेंडल ले लिया नया,
न्यू सपेंडर ले लिया भाई, चल पड़े पानी पत्ता, बारिश का मौसम हो गया भाई। ला भाई आ गए दुकान पे और ले आए सपेंडर अपना, टाइम देख लो 8 बज गए। रास्ते में इतनी भाई इतनी तेज तूफान आया जिसकी कोई दिन नहीं, बहुत ज़्यादा तूफान आया भाई रास्ते में। टायर कितना बड़ा दिख रहा, गलता ही छोटा हो जाए। ला भाई पुराना स्पेंडल तो काट कर घेर दिया और भाई नया स्पेंडल डाल दिया, मिस्त्री साहब हमारे लग रहे भाई ट्रैक्टर के काम पर। और भाई देखो सोनालिका का स्पेंडल है, वैसे कभी मतलब इतना बैंड कभी नहीं हुआ अपने AK-47 ट्रक है, हैवी स्पेंडल है, बस मुड़ गया। हाँ बस यू के किस तरीके से मुड़ गया, नहीं तो भाई अगर दूसरे टायर होते ना इस ट्रैक्टर में यू कति नहीं मुड़ो। और एक ट्रैक्टर ने यार गियर नहीं पकड़े, मिस्त्री गियर का काम जरूर करे ट्रैक्टर का, मैं टाइम निकल कर दूंगा। हाँ गियर नहीं पकड़ना इधर, हाँ बस गियर का काम कर दे, कटते ही संकड़ होया कर अगर कति सीधा खड़े होया कर एक झटके में, इतना यकीन है गियर पकड़ते सीधा संकड़ होगा ईश्वर। ला भाई फाइनली ट्रैक्टर में फिट हो गया टायर, और अभी एक बार टायर मोड़ के देखेंगे, बंगा खड़ा कर रखे ट्रैक्टर, फिर दिखाते आप सब तक सीधा होया करना, ये भी नहीं सीधा होगा नहीं भाई नया डालने के बाद, टाइम देख लो 10:33। कोई नहीं भाई है कि तेरी खातर रात ने भी काम करेंगे भाई। ला भाई ट्रैक्टर का टायर देखो हो गया बिल्कुल सीधा, ये थोड़ा इसमें फर्क लगन लग गया, ये थोड़ा इसमें फर्क लगन लग गया, चल कोई नहीं इसमें इतना कोई खास को नहीं है, मेन तो सिद्ध हो गया भाई। बाकी काफ़ी चौड़ा हो गया यार, ये आगे था यार इतना मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ कर रही यार, देखो पिछले टायर तो अभी ज़्यादा पीछे तो ट्रैक्टर बीड़ा लगन लग गया, अगे तो चौड़ा हो गया यार। लावे स्वराज गए हैं हमने, नट पूरे टाइट कर दिए, सप्रस मतलब सही टाइट कर दिए अच्छी तरीके से, और हम इस पर भाई यू पाइप पूरी अच्छी तरीके लगाने की सोच रहे थे फाइबर वाली, और भाई ये ट्रैक्टर हमने देना पड़ेगा भाई काम के लिए एक मंथ के लिए, तो इस पर भाई वीडियो आ नहीं पाओगे, अपने एक ही ट्रैक्टर पर वीडियो आ पाओगी, बस कुछ मजबूरी समझ लो या कुछ समझ लो भाई ट्रैक्टर की, बाकी वीडियो मैं आप तक आगे चल के बता दूंगा। इस पर दूसरी छतरी रखनी है शाम को रखेंगे और सिंपल वाली, और ये टायर इसमें तो निकालने इसमें रेडियल टायर डलेंगे, क्योंकि ये टायर भाई हम टोचन के लिए जो टूर्नामेंट आ रहा है यूपी में वहाँ ले जाएंगे इन टायर ना, AK-47 वहाँ पर लेकर चलेंगे भाई। बस यार क्या बताओ मुआवजा ना देने का भाई बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन कुछ मजबूरी है बस उस चक्कर में दे रहे, वरना भाई किसको अपना ट्रैक्टर दूसरे के हाथ में चला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं यार भाई हो जाएगा सब ठीक टाइम पर, तो भाई अपना एक ही पाई वीडियो आऊँगी अब, बाकी सामने बनाते हैं वीडियो कंप्लीट। ला भाई सब राज रख दी छतरी सिंपल वाली, बस नट नट टाइट करने रह गए और थोड़ी सी या पट्टी टूटी है तो चल जाएगी, हमने क्या करना इस चीज़ का। तो भाई ट्रैक्टर दे दिया दोबारा भाई एक अपने भाई तक एक मंथ के लिए, तो भाई सब राज पागा वीडियो नहीं आऊँगे एक मंथ खतर, और जिनसे इसके पिछले टायर हैं भी अपना अगली वीडियो में बदले हुए दिख जाऊँ, क्योंकि एक टूर्नामेंट डालना है भाई यूपी में, तो ये टायर हमने उसमें जाऊँगे, ये टायर हमने AK-47 में डालने पड़ेंगे, इस ट्रैक्टर में ये टायर निकालने पड़ेंगे, इसमें रेडियल डाल के दे देंगे भाई जैसे पहले करके दिया था। और अब की बार यू पाइप भी बस ऐसे ही नहीं महा चल छोड़, जब वहाँ था आ जाएगा ट्रैक्टर जब देखेंगे क्या करना है इस पर, तो ये अगले टायर भी निकालने हैं पिछले टायर भी निकालने हैं, इसकी सिंपल वाली मतलब फाइबर वाली छतरी ये रखी यहाँ पर, सारा कुछ खोल खाल कर रख रखा है यार। बस भाई क्या बताऊँ यार कि मजबूरी हो रही, बस इसको जो हमने देना पड़ रहा है बेचारा। कोई नहीं यार बस एक बारी नट नुट टाइट कर दो छतरी, फिर बताता हूँ आप पे सारी सोल्यूशन। ला भाई ले आए थे नट भी एक बारी लगा दे, और भाई मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है बिल्कुल, आंधी आल नहरी हो रही है भी अपना आज बाहर खड़े ट्रैक्टर यार, देखो फोकस 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 वो नहीं हो रहा भाई, बारिश आने लग गई सुनाएगी। हेलो है ला भाई, अब देखो दिन हो गया, अब ट्रैक्टर के पास आ गए,
एक तरफ तो यू देखो और एक तरफ तो यू देखो, दोनों सीधे हो रहे अपने, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क है और यू बिल्कुल सीधा हो गया। और भाई ट्रैक्टर बाहर खड़ा और इन टायर की बता दूं आपसे, तो भाई ये टायर स्वराज में डलेंगे और भाई स्वराज हमारे पास एक महीने के लिए नहीं आएगा। अब बस क्या बताए दोस्तों, अगली वीडियो में भाई ये टायर आपने स्वराज में देखने मिल जाएंगे और वो वीडियो आखिरी होगी स्वराज की। और भाई इसका म्यूजिक सिस्टम का जो एक बॉक्स रहा है इसमें भी कल ना रिपेयर कर देंगे और ये टायर ट्यूर बदल देंगे इसके सारे। फिर भाई टोचन टूर्नामेंट है यूपी में, इस वजह से ट्रैक्टर के टायर चेंज कर रहे हैं, नहीं तो इसमें ये डले रहते उसको ऐसे ही दे देते उन टायरों में, तो इस वजह से फिर हमारे पास दूसरे टायर है वो टोचन के लिए जो RCC पे चलते हैं, इंटरलॉक पर टोचन है वहाँ पर यूपी में, और उन पर वो अपने गुड्डी वाले टायर चलेंगे दूसरे पीछे वाले, और इन में ही टायर चलेंगे अपने। तो भाई इस वजह से ये टायर हमने इसमें तो निकालने पड़ेंगे और अपने दूसरे ट्रैक्टर में डालने पड़ेंगे। तो बस यार ये था वीडियो का रीज़न, बाकी आप सब ना अगला वीडियो में पता चल गया होगा।